रामगढ़ विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत यह चुनाव उम्मीदवार के रूप में श्रीमती सुनीता चौधरी आपके विधायक के रूप में उम्मीदवार के रूप में खड़ी है। मैं अपनी ओर से यही अपील करता हूं आप लोगों से, क्योंकि गठबंधन धर्म है और जिसकी तैयारी दोनों दल की ओर से है और यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण है इसको आप भी समझ रहे हैं और हम लोग भी समझते हैं, क्योंकि झारखंड राज्य जो 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और 3 वर्ष के कार्यकाल का उपलब्धि जो सरकार का विफलता रहा, जो उपलब्धि गिना रहे हैं और जो उपलब्धि सरकार जो गिना रही है वह बिल्कुल निराधार है। ये सब विषय भी हम लोग को लेकर जो सरकार जो घोषणा पत्र अपने चुनाव के समय में किया, झूठा वादा किया और अभी के समय में जिस प्रकार पूरे राज्य में लूट खसूट चल रहा है, चाहे कोयला चोरी, लोहा चोरी, बालू चोरी, पत्थर चोरी का जो घोटाला जो आए दिन चल रहा है, जिसको आप लोग प्रत्येक दिन अखबार में देखते हैं और उसके साथ साथ जो अपराध जो बढ़ा है आए दिन, प्रत्येक दिन जो दुर्घटना हत्या हो रहा, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा, जो हम लोग प्रत्येक दिन अखबार के सुर्खियों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेज सभी जगहों पर हम लोग देखते हैं, यह सरकार बिल्कुल विफल है और सिर्फ लूट खसोट में लगा हुआ प्रशासन जो लगा है भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंचा हुआ और इसके विरुद्ध में यह चुनाव। और इस चुनाव में सभी लोग आक्षेप और भाजपा के सभी कार्यकर्ता हमारे जमीनी स्तर पर काम भी चल रहा है और पार्टी का संदेश भी लोग पहुंचा रहे हैं और हमें उम्मीद है जिस प्रकार हम लोगों का तालमेल और गठबंधन हुआ है कांग्रेस पार्टी का, इस बार हम लोग पूरा प्रयास करेंगे उसको 50,000 से नीचे उसको लाकर खड़ा करें। ये हम लोग का विश्वास है। आज अभी सरकार का विफलता भी को भी लेकर हम लोगों को जाना चाहिए पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, कि वह जो वादा किया था हर घर में नौकरी देने का, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का, किसानों का लोन माफ करने का, इस तरह से कई चीज है जो अभी तक धरातल पर नहीं उतरा और सरकार अपनी बात को छिपाने के लिए तरह तरह का आपस में लोगों को लड़ाने के लिए यह प्रयास हमेशा कर रहा। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा, क्योंकि समय कम है, चुनाव का समय है, सभी लोग अपने अपने काम में लगे। आप कार्यकर्ता हैं और कर्मठ कार्यकर्ता, आपको हर विषय की जानकारी है और मतदाता को कैसे बूथ तक ले जाना और अपने पक्ष में एनडीए के पक्ष में आपको वोट दिलाना है, तो इस पर आप परिपक्व भी हैं। कई बार हम लोग चुनाव भी फेस किए हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, कई हमारे कार्यकर्ता जो 5-5 चुनाव, 6-6 चुनाव भी आप लोगों ने फेस किया है, तो जो कमियां हैं उसको हम लोग कैसे दूर करेंगे। चुनाव के समय में बहुत सारी अफवाहें भी चलती हैं, उस अफवाहों को भी कैसे हम लोग रोकेंगे। जैसे पिछले चुनाव में लोग तरह तरह का अफवाह उड़ाया गया और लोग इस तरह से अपने पक्ष में लोगों को मतदान लेने का प्रयास किया, लोग जीते भी, लेकिन 3 साल के बाद जो परिणाम रहा है कांग्रेस पार्टी का, यहाँ पर कोई भी विकास का काम धरातल पर नहीं उतरा, कोई भी उपलब्धि नहीं। इस विषय को लेकर भी हम लोग हर गांव में, हर घर तक हम लोग जा रहे हैं और हम लोगों के समय जिस समय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे उससे पहले हर बार एनडीए के साथ में सरकार में रहने का भी मुझे मौका मिला। हम लोगों के द्वारा जो विकास का काम हुआ दूर में परखा नहीं बल्कि पूरे राज्य में और खास करके रामगढ़ जिला में जो विकास का कार्य हुआ ये आपसे कहीं छिपा हुआ नहीं। जिला निर्माण से लेकर दो प्रखंड हर गांव तक बिजली सड़क पहुंचाना, हर हर घर नल का जल जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का योजना
इस योजना को भी हम लोग धरातल पर उतारे हैं। जो अभी भी कई योजना है, राज्य सरकार उसको विफल करने का प्रयास कर रहा, ताकि केंद्र सरकार का नाम नहीं हो, मोदी जी का नाम को बदनाम करने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बिल्कुल काम उसका बंद पड़ा, कोई भी काम नहीं हो पा रहा। और हर घर नल का जल का योजना भी बिल्कुल अभी बहुत ही धीमा गति से चल रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।